सबक नंबर 8, बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड। लेक्चर नंबर 2। बच्चों, अली की बहन स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी और वो गर्ल्स गाइड में भी शामिल थी। अली उसे देखते देखते एकदम कहने लगा, बाजी मुझे भी गर्ल्स गाइड बनना है। तो उसकी बाजी हंस पड़ी और कहने लगी कि मुन्ने, तुम गर्ल्स गाइड कैसे बन सकते हो, तुम लड़के हो, लेकिन तुम बॉय स्काउट्स में शामिल हो सकते हो। यहाँ स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ ऐसी तरबियत भी की जाती है जिससे वो बहादुरी के काम कर सके, ख़ास तौर पर उस वक्त जब कोई हादसा पेश आ जाए या कोई हंगामी हालात हो जाए, जैसे जंग, जलजला, सैलाब या नागहानी आफत वगैरह। इस तरबियत के दौरान लड़कियों और लड़कों को ज़िंदगी गुजारने के अलावा ऐसे काम सिखाए जाते हैं जो इन तमाम हालात से निमट सकें और इनका बहादुरी से मुकाबला कर सकें। छोटे छोटे काम, मसलन सुई धागे के इस्तेमाल से लेकर चीज़ों की मुरम्मत करना, लकड़ी से चीज़ें बनाना, आरजी स्ट्रेचर बनाना और तिब्बी इमदाद देना, ये तमाम काम सिखाए जाते हैं। अली ने हैरान होकर पूछा, इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या होते हैं? इस पर उसके अब्बू ने जवाब दिया, जो इन दोनों की बातें सुन रहे थे और कहने लगे कि चोट लगने, जख्मी होने या किसी और तकलीफ में मुब्तला होने की वजह से फौरी तौर पर मरीज की मदद करने को इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। ये बताने के बाद अली के अब्बू ने किताबों की अलमारी से एक किताब निकाली जिसका नाम था स्काउट तहरीक। तो अली और उसकी बहन बहुत हैरानी से पूछने लगे कि आपके पास ये किताब कहाँ से आई? तो उसके अब्बू ने बताया कि वो अपने स्कूल के ज़माने में स्काउट रह चुके हैं। अली ने वो किताब खोली और देखा और पढ़ना शुरू किया। तो उसमें उसने पढ़ा कि बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड में कितने साल की उम्र के बच्चे कौन सी तहरीक में शामिल हो सकते हैं। तो बॉय स्काउट्स में, शाहीन स्काउट में 6 से 11 साल के बच्चों को दाखला मिल सकता है, स्काउट में 11 से 17 साल के बच्चों को दाखला मिल सकता है, रावर स्काउट में 17 से 25 साल के बच्चे दाखला ले सकते हैं। इसी तरह गर्ल्स गाइड में भी जूनियर गाइड में 6 से 11 साल की उम्र में दाखला मिल सकता है, गर्ल गाइड 11 से 16 साल की उम्र में दाखला ले सकते हैं और सीनियर गाइड में 16 से 21 साल की उम्र तक दाखला मिल सकता है। तो अली ये सब देखकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि अब्बू, मैं तो शाहीन स्काउट में जा सकता हूँ। तो उसके अब्बू ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी इसको आगे और पढ़ो। बच्चों, मुश्किल अल्फाज मैं दोहरा रही हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए। गर्ल्स गाइड, गर्ल्स गाइड। बॉय स्काउट्स, बॉय स्काउट्स। नागहानी आफत, नागहानी आफत। आरजी स्ट्रेचर, आरजी स्ट्रेचर। तिब्बी इमदाद, तिब्बी इमदाद। स्काउट तहरीक, स्काउट तहरीक। अब आते हैं घर के काम की तरफ। सबक नंबर 8, बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड। सफ़ा नंबर 12 की बुलंद खानी 3 मरतबा करें और मुश्किल अल्फाज की AR में मशक करें। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।